हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज की जो वीडियो है वह इस मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करने की है। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज लैंप से टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यह सीरीज लैंप है, स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच हमारा ऑन है पर मिक्सर ग्राइंडर चल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम इसके स्क्रूओं को खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह इसका ओवरलोड स्विच है जिसके कि कनेक्शन निकले हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ओवरलोड कनेक्शन को आपस में जोड़ देते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम ओवरलोड कनेक्शन को आपस में जोड़ लेते हैं और इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर के स्विच को सीरीज लैंप में लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीरीज लैंप का बल्ब जलने लगा है पर मिक्सर घूम नहीं रहा है। तो हम इसको अब डायरेक्ट एसी में लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिक्सर हमारा घूमने लगा है पर आर्मेचर में से यह स्पार्किंग और चिंगारियां निकल रही हैं, जो कि यह दिखा रहा है कि आर्मेचर शॉर्ट हो गया है। तो हमारा आर्मेचर खराब है, तो इसके लिए अब हम इस मिक्सर ग्राइंडर मशीन को बाहर निकालेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके कपलर को इस प्रकार बाहर निकाल लेते हैं। कपलर बाहर निकालने के बाद अब हम इसके रोटरी स्विच से कनेक्शनों को बाहर निकाल लेते हैं। यह रोटरी स्विच है जिसमें कि 3 स्पीड रहती हैं। तो कनेक्शनों को बाहर निकालने के बाद अब हम इस मिक्सर मशीन जो मोटर रहती है उसके स्क्रूओं को इस प्रकार बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं यह देखिए दोस्तों, इसका आर्मेचर है और हम इसके कार्बन कनेक्शन देखते हैं। इस प्रकार हम कार्बन कनेक्शनों को बाहर निकाल लेते हैं। कार्बन कनेक्शन बाहर निकालने के बाद कार्बनों को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह इसके कार्बन है जो कि पूरी तरह ठीक है। इसी प्रकार दूसरी ओर का कार्बन कनेक्शन निकाल कर हम कार्बन को बाहर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह कार्बन भी ठीक है। तो अब हम इसके स्क्रूओं को खोलकर आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। तो
हम जल्दी से इसके स्क्रूओं को खोल लेते हैं। स्क्रूओं को निकालने के बाद हम आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। तो हमने स्क्रू को निकाल लिया है। अब हम सोल्डर आयरन की मदद से इन कार्बन कनेक्शनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरफ के कार्बन कनेक्शन बाहर निकाल लिए हैं। अब हम एक प्लास की मदद से इस प्रकार फील्ड कॉइल को आर्मेचर से अलग कर लेते हैं। उससे पहले यह एक आर्मेचर के शाफ्ट के ऊपर लोहे की गोली रहती है, उसे हम सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम मोटर से आर्मेचर बाहर निकाल लेते हैं और यह नया आर्मेचर है जिसकी लेंथ 2 इंच है। यह नया और बिल्कुल ठीक आर्मेचर है। तो हम इसकी शाफ्ट पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसके पल्बे में आर्मेचर को सेट करते हैं। और दूसरी ओर शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगाकर इस गोली को ऊपर रख देते हैं। अब हमने इसके बैक कवर को सेट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रूओं को इसमें लगा देते हैं। स्क्रूओं को अच्छी तरह टाइट करने के बाद हम आर्मेचर को इस प्रकार सेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आर्मेचर में थोड़ा सा प्ले रहना चाहिए ताकि आर्मेचर फील्ड कॉइल के बीच में बिल्कुल फ्री घूमता रहे। तो इस प्रकार हम आर्मेचर को सेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आर्मेचर अच्छी तरह से फील्ड कॉइल के बीच में घूमने लगा है। अब हम इसके कार्बन कनेक्शनों को कर देते हैं और कार्बन कनेक्शन करने के बाद हम मिक्सर मोटर को मिक्सर बॉडी में पूरी तरह से सेट कर लिया है। अब हम इसे सीरीज लैंप में टेस्ट करते हैं। तो स्विच को ऑन करने के बाद अब हम रोटरी स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा बल्ब ग्लो करने लगा है। अब हम इसको डायरेक्ट एसी करंट में लगाकर ऑन करके देखते हैं। तो इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया है। अब हम रोटरी स्विच से इसे ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सर ग्राइंडर घूमने लगा है। तो अब हम इसमें इस कपलर को शाफ्ट में इस प्रकार सेट कर लेते हैं। और यह देखिए दोस्तों, हमारा कपलर भी अच्छी तरह घूमने लगा है। तो अब हम इसे एसी में ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सर ग्राइंडर पूरी तरह सही वर्क करने लगा है।
और इसका रोटरी स्पीड स्विच भी वर्क कर रहा है। तो वीडियो इतनी ही थी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।